हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में वैसाख दिवस के बारे में जानेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। वैसाख एक उत्सव है जो विश्व भर में बौद्धों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान बुद्ध के जन्म, बोधि की प्राप्ति और उनके महापरिनिर्वाण की स्मृति में बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। महापरिनिर्वाण एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका मतलब मृत्यु या मुक्ति से है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुआ था और बोधि का मतलब श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्ति से है। विभिन्न देशों में बुद्ध पूर्णिमा अलग अलग दिन मनाया जाता है। भारत में इस वर्ष 26 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। विभिन्न देशों में इस त्यौहार को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे हांगकांग में बुद्ध जन्म दिवस, इंडोनेशिया में वैसाख दिन, सिंगापुर में वैसाख दिवस, थाईलैंड में वैसाख बुक्च दिन कहते हैं। वैसाख दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको बधाई दी और कहा कि भारत आज संकट में घिरे व्यक्तियों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हमारे लिए संकट की घड़ी सहायता करने के लिए है, जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाएं और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हुए भारत सबकी मदद कर रहा है। विश्व के विकास में भारत सदैव सहायक रहेगा। इस बार यह पर्व संक्रमण से मारे गए लोगों की याद में और कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक मंत्रालय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघ के प्रमुख हिस्सा लेंगे। भारत में इस समारोह का आयोजन महाबोधि मंदिर जो बोधगया में है, मूलगंध कुटी विहार जो सारनाथ में है और परिनिर्माण स्तूप जो कुशीनगर में है, यहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये थी वैसाख दिवस से जुड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।